ढाका में जिंदगी अब पटरी पर लौट आई है। अल्पसंख्यकों के लिए ना सही, लेकिन बहुसंख्यक समुदाय के लिए देखें तो जिंदगी फिर से अब धीरे धीरे पटरी पर लौटती हुई चली गई है। वे अपने काम काज पर लौट चुके हैं। आज शुक्रवार का दिन है, जुम्मे का दिन यानी छुट्टी का दिन, लिहाजा यहाँ भाग दौड़ और भीड़ और जाम तो नहीं, लेकिन सामान्य गति से गतिमान ढाका आपको ये दिखा रहा है कि किस तरह से दरअसल आंदोलन के बाद एक अंतरिम सरकार बनने के बाद एक व्यवस्था जो है वो पुनर्बहाल हुई है। लोगों के भीतर एक विश्वास बहाल हुआ है कि शेख हसीना की विदाई के बाद ये जो ढाका है, बांग्लादेश है, वो फिर से एक नए स्वरूप को अख्तियार करेगा। ख़ास तौर पर आप देखिए कि यहाँ चलते हुए रिक्शे से गाड़ियाँ, फ्री मूवमेंट लोगों का आपको दिखाई देगा। और अगर आप 5 अगस्त और उसके आसपास की घटनाओं को डिलीट कर दें तो आपको वैसे ही ढाका दिखाई दे रहा है जैसा पहले दिखाई देता था। सामान्य रूप से तमाम स्थितियां यहां पर हैं और ऐसे में आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ढाका की नई व्यवस्था जो है वो पुनः बहाल हो गई है। हालांकि जो छिटपुट जानकारी मिल रही है शहर के बाहर, वहां पर अभी भी शांति व्यवस्था पर कई तरह के सवाल हैं। जमात के ज़रिए होने वाले हमले हों, अल्पसंख्यकों पर हमले हों, डर का माहौल हो, भय हो, वो अपनी जगह है। लेकिन राजधानी की बात करें तो यहाँ पर आपको स्थितियाँ सामान्य दिखाई देंगी और व्यवस्था आपको पुनः बहाल देखी जा सकती है। तो ये ढाका की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों के पीछे कई तरह की बैठक, कई तरह की योजनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जो BNP दे रही है, जमात की तरफ से दिया जा रहा है, छात्र आंदोलनकारियों के जरिए दिया जा रहा है, ताकि जो उनकी मांगे हैं वो अंतरिम सरकार पूरी करे और आगे किस तरह से सरकार बनेगी उसका खाका भी तैयार हो। जाहिर है कि आने वाला वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस से निकलकर एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा या एक नए पॉलिटिकल क्राइसिस को जन्म देगा, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ढाका की स्थिति आप सामान्य तौर पर जरूर देख सकते हैं। ढाका में जिंदगी अब पटरी पर लौट आई है। अल्पसंख्यकों के लिए ना सही, लेकिन बहुसंख्यक समुदाय के लिए देखें तो जिंदगी फिर से अब धीरे धीरे पटरी पर लौटती हुई चली गई है। वे अपने काम काज पर लौट चुके हैं। आज शुक्रवार का दिन है, जुम्मे का दिन यानी छुट्टी का दिन, लिहाजा यहाँ भाग दौड़ और भीड़ और जाम तो नहीं, लेकिन सामान्य गति से गतिमान ढाका आपको ये दिखा रहा है कि किस तरह से दरअसल आंदोलन के बाद एक अंतरिम सरकार बनने के बाद एक व्यवस्था जो है वो पुनर्बहाल हुई है। लोगों के भीतर एक विश्वास बहाल हुआ है कि शेख हसीना की विदाई के बाद ये जो ढाका है, बांग्लादेश है, वो फिर से एक नए स्वरूप को अख्तियार करेगा। ख़ास तौर पर आप देखिए कि यहाँ चलते हुए रिक्शे से गाड़ियाँ, फ्री मूवमेंट लोगों का आपको दिखाई देगा। और अगर आप 5 अगस्त और उसके आसपास की घटनाओं को डिलीट कर दें तो आपको वैसे ही ढाका दिखाई दे रहा है जैसा पहले दिखाई देता था। सामान्य रूप से तमाम स्थितियां यहां पर हैं और ऐसे में आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ढाका की नई व्यवस्था जो है वो पुनः बहाल हो गई है। हालांकि जो छिटपुट जानकारी मिल रही है शहर के बाहर, वहाँ पर अभी भी शांति व्यवस्था पर कई तरह के सवाल हैं। जमात के ज़रिए होने वाले हमले हों, अल्पसंख्यकों पर हमले हों, डर का माहौल हो, भय हो, वो अपनी जगह है। लेकिन राजधानी की बात करें तो यहाँ पर आपको स्थितियाँ सामान्य दिखाई देंगी और व्यवस्था आपको पुनः बहाल देखी जा सकती है। तो ये ढाका की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों के पीछे कई तरह की बैठक, कई तरह की योजनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जो BNP दे रही है, जमात की तरफ से दिया जा रहा है, छात्र आंदोलनकारियों के जरिए दिया जा रहा है, ताकि जो उनकी मांगे हैं वो अंतरिम सरकार पूरी करे और आगे किस तरह से सरकार बनेगी उसका खाका भी तैयार हो। जाहिर है कि आने वाला वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस से निकलकर एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा या एक नए पॉलिटिकल क्राइसिस को जन्म देगा, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ढाका की स्थिति आप सामान्य तौर पर जरूर देख सकते हैं। पुरुषोत्तराज के साथ मधुरन कुमार, न्यूज नेशन, ढाका। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।